स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर एक्सेल ऑफ सेल क्लासेस पर। आज हमारा जो है नई वेबसाइट इशू हुई है excelofsalebinyuar.com, इस पे आप लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों। आइए हमारे एक्सेल ऑफ सेल क्लासेस पर आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इत्यादि चीजें और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने को आपको मिलेगा। बस दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए और आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। 100% आपको सफलता की तरफ ले चलेंगे। हम प्रयास करेंगे, हम लोग का यही सब प्रयास रहेगा कि आप लोग को जो है आगे से आगे बढ़ा सके और अच्छा से अच्छा पढ़ा सके। इसलिए दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल से आप जरूर जुड़े रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए जरूर। चलिए दोस्तों मैंने क्या बताया, टॉपिक पे चलते हैं। कल मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे, उसमें नाउन की परिभाषा और डेफिनेशन और पांच प्रकार की नाउन होती हैं उसको भी बता दिया गया। आज क्या आता है, नंबर टू नाउन हो गया था। नंबर टू क्या है, प्रोनाउन। नंबर टू है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। दोस्तों अभी प्रोनाउन है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा डेफिनेशन इसकी परिभाषा लिखते हैं। ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place, a pronoun is a word which is used in place of noun। चलिए दोस्तों संज्ञा वो शब्द है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल में उदाहरण, मधु is a beautiful girl, she is a beautiful girl। अब आइए देखिए दोस्तों प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब जो नाम के बदले बोला जाए, जो नाम के बदले बोला जाए वही सर्वनाम है, उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देहाती भाषाओं में लोगों का नाम रखते हैं तो एक प्रेम से पुकारने वाला नाम हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मोहन है तो उसके घर वाले प्रेम से क्या कहते हैं, बउआ या जो है कुछ भी प्रेम से अपना नाम बोल देते हैं, तो वो क्या है सर्वनाम, जो नाम के बदले बोला जाए वही सर्वनाम कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन इसकी है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में मधु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, मधु एक सुंदर लड़की है, अभी क्या है सर्वनाम हो नाउन है संज्ञा है मधु। अब देखो क्या बोल रहा है,
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? सी, सी इज ए, सी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तब आप देखिए ये क्या है, मधु यानी कि नाम संज्ञा नाउन है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। ये तो डेफिनेशन में बोल रहा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? सी, यही है सर्वनाम। तो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, समझ में आ गया दोस्तों। ये हो गया प्रोनाउन की डेफिनेशन। अगर इसकी एग्जाम्पल पूछते हैं तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल आई बी यू दीज दोज ये होता है, मतलब कि नाम के बदले जो बोला जाए, किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर के उसको जो है मैं तुम और हम के नाम से संबोधित किया जाए वही सर्वनाम कहलाता है। किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर, जैसे किसी का नाम मोहन है तो मोहन यहाँ आओ ना कहकर तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, ये सर्वनाम कहलाता है। यही है कि जो नाम के बदले बोला जाए वो सर्वनाम है। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तब अब देखिए पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। नंबर एक क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ये नाउन प्रोनाउन सर्वनाम नौ प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक क्या है? पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इसके डेफिनेशन क्या है? वर्ड दैट डिनोट्स, वर्ड्स दैट डिनोट्स, वर्ड दैट डिनोट द नेम ऑफ द नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, पर्सन्स और थिंग्स कार्ड आर पर्सनल प्रोनाउन, कार्ड आर पर्सनल प्रोनाउन। ये देखिए दोस्तों कार्ड आर पर्सनल प्रोनाउन। देखिए जिन शब्दों में, जिन शब्दों में किसी स्त्री या पुरुष, या पुरुष जिन शब्दों में किसी स्त्री या पुरुष वा वस्तु का, वा वस्तुओं का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम
कहते हैं। आज ये एग्जाम्पल में एग्जाम्पल पे आइए। He plays with me. Singing a song. अब देखिए दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? परिभाषा, वर्ड्स दैट डिनोट्स द नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कॉल्ड आर पर्सनल प्रोनाउन। जिन शब्दों में किसी स्त्री या पुरुष व वस्तुओं का बोध कराए या वस्तुओं के बारे में बताए उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे He plays with me, वो मेरे साथ खेलता है। तब क्या देखिए दोस्तों, इसमें वो किसी पुरुष का बोध कराया गया ना, पुरुष है, वो मेरे साथ खेलता है, उसके बारे में बताया जा रहा है, बोध कराया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत को गा रही है। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल में मैं, हम, तुम इत्यादि इस बारे में बोध कराता है, लिखा नहीं है। देखिए, स्त्री या पुरुष के बारे में बोध कराया, अभी स्त्री। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गीत गा रही है, तो उसके बारे में बोध करा रहा है, तो क्या कहला रहा है वो? पर्सनल प्रोनाउन। वस्तुओं का बोध कराया जाए, जैसे ही इज ए, ओ दैट इज ए चेयर, वो एक कुर्सी है। अभी लिख दीजिए, वस्तु का बोध करा रहा है, दैट इज ए चेयर। अब तीनों आ गया, दैट इज ए चेयर, वो एक कुर्सी है, तो क्या है अब इसके बारे में वो वस्तु का बोध करा रहा है। तो यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या देखेंगे, विशेष करके जो है स्त्री पुरुष और वस्तुओं का बोध कराए, स्त्री पुरुष और वस्तुओं के बारे में बताए उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नोट कर लीजिए ये। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों दूसरा क्या है, नंबर टू, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम। अब देखिए दोस्तों क्या है रेफ्लेक्सिव, नंबर पहला क्या था पर्सनल प्रोनाउन, अब दूसरा क्या है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। When a pronoun is used, when a pronoun, when a pronoun is used, when a pronoun is used as an object, and an object of verb, it is called, reflexive pronoun,
फ्लैगशिप प्रोनाउन ये देखिए फ्लैगशिप प्रोनाउन जो सर्वनाम शब्द देखिए जो सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द क्रिया के कर्म रूप जो सर्वनाम शब्द क्रिया के कर्म रूप क्रिया के कर्म रूप में प्रयोग किए जाते हैं किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं कहलाते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल में उदाहरण ही राइट्स ए लेटर हिमसेल्फ राइट्स ए लेटर हिमसेल्फ। देखिए दोस्तों क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हुआ निजवाचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों इसमें निजता, निजता का मतलब अपनत्व, अपने का अपनत्व है, निज मतलब अपना। लोग कहते नहीं मेरा ये क्या है निजी घर है, मेरा ये मेरी ये वस्त्र निजी है, मेरी अपनी कोई चीज है। तो इसके नाम से ही हम लोग को पता हो जाना चाहिए निज का मतलब अपना, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, इसमें अपनत्व के बारे में बताना है। देखिए दोस्तों प्रश्नों में ही उत्तर छुपा होता है, प्रश्न के अंदर ही आधा आंसर मिल जाता है, क्वेश्चन के अंदर ही आधा आंसर आपको मिल जाएगा, बट आपको केयरफुल्ली ध्यान पूर्वक उसको जो है पढ़ना होगा। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आप समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसमें क्या बता रहा है। तो जैसे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे आप समझ जाएंगे निजवाचक सर्वनाम निजता का बोध यानी अपनत्व के बारे में इसमें हमको बताना है। चलिए व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो शब्द जो सर्वनाम शब्द क्रिया जो सर्वनाम शब्द क्रिया के कर्म रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि कर्म रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एज एग्जाम्पल में देखिए ही राइट्स ए लेटर हिमसेल्फ, यानी कि वो स्वयं देखिए वो स्वयं को एक पत्र लिखता है, यानी कि अपने आप को ही वो कोई चीज लिख रहा है दे रहा है। एग्जाम्पल में अपनत्व के लिए क्या He writes a letter himself. वो स्वयं को अपने को एक पत्र लिखता है, इसका एग्जाम्पल हुआ। तो समझिए दोस्तों अपने के लिए बोल रहा है, जैसे अपने के लिए मैं बोलता हूँ ये मेरा घर है, ये मेरा अपना निजी घर है। लोग बोलते नहीं भाई साहब, बातें करते हैं आप अपने भाई साहब ये मेरा अपना निजी घर है, ये मेरा अपना निजी स्कूल है, ये मेरा अपना निजी निजी बोलते नहीं, वही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम निजता का प्रयोग इसमें होता है। नोट कर लीजिए दोस्तों चलिए बिठाते हैं आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या है नंबर थ्री इम्फैटिक। इम्फैटिक प्रोनाउन
यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम। इंपैरेटिव प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम क्या है? द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस, द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द एक्सप्रेस द एम्फेसिस एम्फेसिस इन द सेंटेंसेज एम्फेसिस इन द सेंटेंसेज are called emphatic pronoun. अब इसको हिंदी में लिखते हैं। जो सर्वनाम क्रिया के करने में बल यानी कि ताकत करने में बल या जोर प्रकट करते हैं उन्हें दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, सी हर्सेल्फ, कुक्स फूड। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा रहा है, इंपैरेटिव प्रोनाउन यानी इंपैरेटिव प्रोनाउन का मतलब दृढ़तावाचक सर्वनाम, दृढ़ हो जाना, उसमें दृढ़ का मतलब मजबूती प्रकट कर देना ही दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाता है। तो क्या है, द वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द एम्फेसिस इन द सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपैरेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम क्रिया के करने में बल या जोर लगाते हैं उन्हें दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम क्रिया के करने में यानी क्रिया जो कार्य करती है उसमें जो सर्वनाम यानी कि नाम के बदले जो बोला जाए उस चीज वो जो जोर प्रकट करता है उन्हें हम दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में, सी हर्सेल्फ कुक्स फूड, वो स्वयं से खाना पकाती है। अब देखिए, अब इसमें हर्सेल्फ क्या, जो सर्वनाम यानी कि वो स्वयं से, अब इसमें कुक्स यानी कि बल लग रहा है इस पे, नहीं लग रहा है क्रिया पे, कुक्स फूड जो है, जो सर्वनाम क्रिया के करने पे बल, अब ये सर्वनाम क्रिया के करने पर बल लगा रहे नहीं, वो स्वयं से भोजन पकाती है, यानी कि सर्वनाम सी का जो है फोर्स किस पे पड़ रहा है, कुक्स पर, क्रिया के करने में जो है ताकत जोर को प्रकट करती है वो दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाता है। सी यानी कि सर्वनाम है वो खाना, वो स्वयं से खाना पकाती है। अब क्या है, तो खाना पकाती क्रिया है, पकाना क्या है यहाँ पर, क्रिया है, लेकिन सी अभी जोर किस पर कर रहा है, कुक्स पर, क्रिया पर जोर कर रहा है, कौन सी, सर्वनाम जो है क्रिया पर
बल प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, जो है दृढ़तावाचक सर्वनाम, यानी कि दृढ़ है। नोट कर लीजिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर चौथा क्या है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम, ये क्या है, रेसी प्रोकार प्रोनाउन, यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। व्हेन टू प्रोनाउन वर्ड्स, व्हेन टू प्रोनाउन वर्ड्स, व्हेन टू प्रोनाउन वर्ड्स कंबाइन एंड एक्सप्रेस, कंबाइन एंड एक्सप्रेस, कंबाइन एंड एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल, द रिलेशन, द रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल दो जार कार, दो जार कार, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रो नाउन, जो शब्द सर्वनाम या आपस में मिले, जो जब दो सर्वनाम शब्द आपस में मिले, जब दो सर्वनाम शब्द आपस में मिले, आपस में मिले, आपस में मिले और परस्पर संबंध प्रकट करें, और परस्पर, और परस्पर संबंध व्यक्त करें, परस्पर संबंध व्यक्त करें, उन्हें परस्पर वाचक, परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं, परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, टू ब्रदर्स लव ईच अदर, टू ब्रदर्स लव ईच अदर, टू ब्रदर्स लव ईच अदर। देखिए दोस्तों क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक का मतलब संबंध, संबंध प्रकट करना इसमें। अब क्या है दोस्तों, व्हेन टू प्रोनाउन वर्ड्स कंबाइन एंड एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल, दोज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब दो शब्द, जब दो सर्वनाम शब्द, जब दो सर्वनाम शब्द जो है आपस में मिले,
और परस्पर संबंध व्यक्त करें, प्रकट करें, उन्हें परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो आपस में जो है संबंध प्रकट करें, दो होनी चाहिए क्या, दो प्रोनाउन यानी दो सर्वनाम हो और आपस में संबंध प्रकट करें, घनिष्ठता बनाए, उसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में एज यू, टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दो भाई आपस में खूब प्रेम करते हैं, या दो भाइयों का आपस में खूब प्रेम है, तो क्या है, दो भाई, अब दो भाई टू ब्रदर्स यानी कि एक और एक, दो जो है दो भाई आपस में, मैं और तुम, जैसे कि अपने भाई को मैंने बोला मैं और तुम, दूसरे भाई को दोनों मैं और तुम, दो सर्वनाम हो गए, और टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों व्यक्ति अब दो सर्वनाम शब्द है मैं और तुम, और दोनों भाई हैं और आपस में क्या खूब अधिक प्रेम करते हैं, लव ईच अदर यानी एक दूसरे से खूब प्रेम करते हैं। तो वही बोल रहा है कि दो प्रोनाउन वर्ड्स सर्वनाम शब्द होने चाहिए, कंबाइन आपस में जोड़े, और इष्टता रिलेशन, और जो है वहां पर रिश्ते का जो है रिश्ता प्रकट करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वो जो क्या कहलाएंगे, जो है परस्परवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यहां तक प्रोनाउन जो है सर्वनाम 9 प्रकार की होती है, अभी हमने 4 बताए हैं, अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में वो भी 5 बता दूंगा। बस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग, नई वेबसाइट आ गई है excelofficial.com जो है, इसी पे आप लोग सर्च करिए और जुड़े रहिए हमारे इसी एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस पे। दोस्तों मैं पूरा प्रयास करूंगा मेहनत के साथ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा बता सकूं, अच्छा से अच्छा आ सके, और इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जुड़े रहिए, आपको नई नई जानकारियों को मैं लेते हुए लेकर के मिलूंगा आपको आगे बढ़ाते हुए, और एक से एक जानकारियां मिलेंगी इसी चैनल से। आप लोग जुड़े रहिए, आपको यहाँ फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी, केमिस्ट्री और मैथ, और इंग्लिश ग्रामर जो है लो लेवल से, मैंने इंग्लिश ग्रामर को लेकर चल रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, लो लेवल से हाई लेवल तक शुरुआत, अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत 0 से होती है, मैंने 0 से स्टार्ट की है। आप ऐसे दोस्तों जुड़े रहेंगे तो इंग्लिश इज वेरी जो है इजी सब्जेक्ट, ये बहुत सरल है और जल्दी आ जाएगी, बस करने का प्रयास होना चाहिए। बस आप लोग ऐसे दोस्तों जुड़े रहिए, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बस मेरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फिर मिल रहा हूं प्रोनाउन के साथ।